बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ शुक्रवार को राजवाड़ा पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। यह अभियान हिंद रक्षक संगठन के द्वारा किया गया है। इसमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की विधायक मालिनी गौड़ सहित कई भाजपा नेता उपस्थित थे। हिंद रक्षक संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा राजवाड़ा क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों से राष्ट्रपति के नाम लिखे पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे। इस पत्र के माध्यम से 4 मांग रखी गई है। इसमें मुख्य तौर पर बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार से कूटनीति और सैन्य नीति का इस्तेमाल करने की मांग की गई है। भारत में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठिए बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की भी मांग की गई है। दुनिया में किसी भी देश में रह रहे हिंदुओं की पुण्य भूमि भारत ही है, ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार मजबूत नीति बनाए। इसके साथ ही जमात ए इस्लामी और इसके जैसे अराजकता फैलाने वाले तमाम संगठनों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग भी की गई है। इसी को लेकर हिंद रक्षक संगठन के द्वारा धरना और हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। रोहित जी यादव एवं पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष राजकुमार जी यादव हमारे युवा बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोगों को मारा काटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसके लिए पूरा भारत देश और हम सब हिंद रक्षक संगठन के लोग हम इसकी निंदा करते हैं। और आज हिंद रक्षक संगठन द्वारा निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है हस्ताक्षर अभियान के द्वारा और प्रदर्शन धरना प्रदर्शन के द्वारा। कई सारे लोग इंदौर शहर के यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी के हस्ताक्षर लेकर राष्ट्रपति जी को ये सभी हस्ताक्षर करे हुए पत्रक वहाँ भेजे जाएंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही चिंता कर रहे हैं और चिंता के साथ वे कार्रवाई करेंगे। बांग्लादेश में जो सरकार परिवर्तन हुई है और उस परिवर्तन के दौरान जिस तरह का अत्याचार और जिस तरह की जिसको कह सकते हैं कि अत्याचार की पराकाष्ठा विशेषकर हिंदू लोगों के साथ हो रही है, हमारी माताओं बहनों की अस्मत पे जिस तरह वहाँ पे लगातार उनके अस्मत के साथ में कई बहनों को परेशान किया जा रहा है, उनके बांग्लादेश की सरकार वहाँ के कट्टरपंथी हिंदुओं को जिस तरह नरसंहार कर रहे हैं, आज पूरे देश में हिंदू एकत्रित होकर इसके खिलाफ है और बांग्लादेश की सरकार से मांग करता है कि सभी हिंदुओं की सुरक्षा और हमारी बहनों की सुरक्षा, माताओं की सुरक्षा को वो निश्चित करें, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है।